गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। आज है न्यू ईयर और मेरी तरफ से आप सब लोगों को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी मॉर्निंग मॉर्निंग में मेरा किचन देखो कितना गंदा है। देखो, क्योंकि मैं अभी अन्नकूट की तैयारी कर रही हूँ। मैंने यहाँ थोड़ी कुछ आइटम बना के रख दिया है, अभी थोड़ी कुछ बन रही है और दोपहर को 12 बजे भगवान को अन्नकूट धरना है। तो चलो फटाफट से बना लेते हैं अन्नकूट की रसोई और फिर भगवान को धरते हैं। तो मैंने अन्नकूट की सब तैयारी फिनिश कर दी और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ पे आशीष भी आ चुके हैं। तो हैप्पी न्यू ईयर। आशीष की तरफ से भी सबको हैप्पी न्यू ईयर और साल मुबारक। यहाँ पे हमने हमारा अन्नकूट भी रेडी कर चुक लिया है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है और अभी अन्नकूट आशीष डेकोरेशन कर रहे हैं। लास्ट ईयर तो हमने बहुत सारी आइटम बनाई थी, नहीं आशीष? हाँ, लेकिन इस साल तो हमको कोरोना था, इसलिए हमने पहले से कुछ प्रिपरेशन नहीं किया था, लेकिन जितना भी हो सकता है उतना आज हमने कर लिया है महाराज के लिए। हो गया आशीष अभी? हो गया। तो अभी क्या करना है आशीष? पहले महाराज का पूजन करके महाराज को हम बुलाएंगे खाने के लिए, बाद में सब चीजें महाराज को बहुत प्यार से खिलाएंगे। हम आज उसको खिलाएंगे तो पूरा साल महाराज हमको खिलाएंगे, अच्छे अच्छे ज्यादा आइटम खिलाएंगे। ऐसा है? हाँ, कुछ बाकी नहीं रह गया ना? सब कुछ हो गया है, अब बस महाआरती पूजन के लिए 20 वर्ष लाना है चोखा और डिश। तो अभी करते हैं महाराज का पूजन, अन्नकूट का पूजन। क्या बोलते हैं, अन्नकूट का पूजन? अन्नकूट। अन्नकूट का पूजन। तो यहाँ पे आशु ने अन्नकूट का पूजन स्टार्ट कर दिया है। अवतरणे श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम अवतरणे श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम अवतरणे श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम नर नारायणाय नमः। ओम हरये नमः। ओम हरे कृष्णाय नमः। ओम घनश्यामाय नमः। ओम धार्मिकाय नमः। ओम भक्तिनंदनाय नमः। ओम बृहद्वरधराय नमः। ओम शुद्धाय नमः। ओम राधा कृष्णेष्टदेवताय नमः। श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी नारायणाय नमः। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण। भगवान ने स्नान करायू પછી મહારાજ ને આવે છે ને વસ્ત્ર પર પહેરાવા પડે ને, ભીના વસ્ત્ર એના જૂના કાઢી નાખ્યા, હવે નવા વસ્ત્ર પહેરાવાના। આપણે મહારાજ ના વસ્ત્ર ન હોય ને તો નાડા છેડી હોય ને એ ભગવાને પહેરાવી દેવાની, એટલે એના વસ્ત્રો ગણાય જાય। વસ્ત્રો એટલે મહારાજ ના વાઘા। ઓમ અવતરણીય શ્રી સ્વામી નારાયણ નમઃ। जय सद्गुरु स्वामी प्रभु, जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयालो, सहजानंद दयालो भगवंत बहु नमी चरण सरोज तमारा वंद।
वंदो कर जोड़े, प्रभु वंदो कर जोड़े। और आरती के बाद अभी थाल की तैयारी है ना आशीष? हे महाराज, हे पूर्ण पुरुषोत्तम, हे स्वामीनारायण भगवान, जम्मा पधारो वाला, जम्मा पधारो महाराज, जम्मा पधारो महाराज। सरस मजानी ताजी ताजी वानगी तमारा माटे तैयार करी छे प्रभु, जम्मा पधारो प्रभु, जम्मा पधारो। जमो थाळ जीवन जाऊवारी, दोऊ कर चरण करो त्यारी। जमो थाळ जीवन जाऊवारी, अमा बोळी काढ़ो रस के रीनो घोली। जमो थाल जीवन जाओ वारी। और अभी अन्नकूट के बाद हम लोग आ गए हैं बाहर फटाके फोड़ने के लिए, क्योंकि किड्स को फटाके फोड़ने हैं ना आशीष? तो लाई जोड़ा है। सो लाई जोड़ा है। आइयो क्या ना हो रही है निर्वाद। अभी हमारा स्टार्ट हो चुका है। हैप्पी दिवाली टू हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर है मंत्र दिवाली के बाद। दिवाली हाँ, बच्चों को ऐसा है जब तक पटाखे जलते हैं तब तक दिवाली ही है, ऐसा है ना? और यहाँ पे अभी स्लोली स्लोली जो अन्नकूट का थाल है वो नीचे आ रहा है, और अभी हम प्रसाद दिखाएंगे, है ना निर्वा? हाँ, बस खाली फ्रूट्स है। हाँ। तो चलो आ जाओ सब लोग अन्नकूट का थाल खाने के लिए, प्रसाद, अन्नकूट का प्रसाद खाने के लिए। तो डिनर अभी फिनिश हो गया आशीष, कैसा था अन्नकूट का प्रसाद? मजा पड़ेगी भाई, क्योंकि अन्नकूट बनाने में कुछ हम लोग टेस्ट तो नहीं कर सकते, ऐसे ही बनाना पड़ता है, लेकिन वो बोलते हैं ना प्रसाद तो वैसे ही टेस्टी होता है। तो कैसा था? जमावट पड़ी गई। जमावट पड़ी गई तुम्हारा बदाने इंडिया ने फोन थे गयो तुम्हारे लिए? घना ने थे गयो, घना ने बाकी छे जी। तो जी तो आपलो न्यू ईयर कितना दिवस चालशे? अबे तो पांचम सुधी न्यू ईयर चाले। ये वो है ने पांचम सुधी न्यू ईयर वो।
आज क्यों अन्नकूट भगवान को अन्नकूट धराते हैं? अन्नकूट आज ना दिवस है ने श्री कृष्ण भगवान ने जारे गोवर्धन पर्वत उचकायो तो त्यारे इंद्र ना हूं केवाय अभिमान ने तोड़वा माटे गोकुल वासी ने गोवर्धन नी पूजा करवानो कीधो तो लोको ए गाम वासी पोतपोताना घरे थी गोकुल वाला गोकुल वासी ए मिठाई ने फरसाण ने जे तेई समय मा जे प्रसाद के धरावतु छे ए थाळ तैयार करीन गोवर्धन नी पूजा ई ना करी थी ત્યારથી આજના દિવસે ગોવર્ધન પૂજાનો મહત્વ છે. ગોવર્ધન પૂજા એ કરવાની હોય અને એના યાદગીરી રૂપે અન્નકૂટ ભગવાનને ધરે છે. આજ અન્નકૂટ હોય છે એવું હોય. નિર્વાભી દેખો સ્ટોરી સુનને કે લી આ ગઈ કે ક્યા હે સ્ટોરી? એને સ્ટોરી સાંભળી બહુ ગમે ને. તો ઇસલી અન્નકૂટ બનાતે હે ના? ઇસલી ભગવાન કો નયે સાલ મે અન્નકૂટ કા ભોગ લગાતે હે. बस आज के लिए बस इतना ही. आज सुबह से महाराज के लिए खाना बनाया और फिर प्रेयर सब कुछ किया तो न्यू ईयर अच्छा गया. नहीं, न्यू ईयर अच्छा गया तो पूरा साल भी अच्छा जाएगा. तो बस अभी करते हैं व्लॉग का एंड और आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नए व्लॉग में. Thank you for watching and don't forget like share and subscribe. Don't forget to. Oh. Okay, good night. Good night. Bye. Bye, see you. Bye. Bye, see you.